गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जिया कहना चाहना श्री आनंद कुमार जी, नैशनल वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी, उन्हां दे नाल श्री आकाश आनंद जी, नैशनल कोआर्डिनेटर श्री राम जी गौतम, मैंबर पार्लीमेंट ते नैशनल कोआर्डिनेटर श्री रणधीर बेनीवाल जी, जो बहुत ही मेहनती इंसान, जो बहुजन समाज पार्टी दे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दे इंचार्ज ते एक बहुजन समाज पार्टी दे नड़तड़क जरनैल पंजाब दे सर जसवीर सिंह गढ़ी जी ते समुची बहुजन समाज पार्टी पंजाब दी लीडरशिप ते श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप ते दुआबे दे कोने कोने तो आए श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी दे बहादुर सूरमियो, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करना चाहना। मैं उन्होंने टेलीफोन किया, पहली बार मेरी गल हुई ते मैं उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब में आप कट्ठे हो के इलेक्शन लड़िए। मैं उन्होंने कहा कि साहब प्रकाश सिंह जी बादल की इच्छा है कि जेड़ा रिश्ता 96 बनिया सी साहब प्रकाश सिंह जी बादल ते साहिब श्री कांशी राम जी का संबंध उदो जुड़िया सी, जदों श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का 96 रिश्ता जुड़िया ते तो पंजाब विच तूफान आया ते सारियां सीटां तुसी कामयाब होए। मैं जदों जिक्र किया कि आ प्रकाश सिंह जी बादल का सुपना कि वह रिश्ता वापस जुड़े, पंजाब विच वापस वो लहर कट्ठी होए, गरीब किसान मजदूर कट्ठे एक मंच ते आउण, उस टाइम बहन मायावती जी ने मैनू कहा समझ लो हो गया। मैं हैरान सी, मैं समझा सी कि शायद टाइम लाउणगे कोई सोचणगे ना, उन्होंने तो उस टाइम फैसला करता कि समझो अपना गठजोड़ है, बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट। नहीं तो लोग इन्नी क्लैरिटी ना नहीं गल करते, जदों भी मेरी बहन जी ना गल हुंदी है बड़ी क्लैरिटी है, उन्होंने सोच की है किवें करना है। मैनू याद है पार्लीमेंट का सैशन हुण चल रहा जी, बहन जी ना गल होई कि साढ़े तो कल्ले दो MP है कि किसानी संघर्ष में असी तो कल्ले दो हैं, जे बेनती करते हैं बहुजन समाज पार्टी के 14 MP है वो साडा साथ देन। अगले दिन मैं देखिया जो पार्लीमेंट असी मैं ते हरसिमरत असी लोक सभा गए, 14 ते 14 MP बहुजन समाज पार्टी के साडे नाल खड़े सी। मैनू उन्होंने कहा कि बहन जी का सानू हुक्म हो गया जो तुसी करोना जिवें करोना जिथे खड़ा करना असी थोड़े नाल हैं। तुसी देखिया होना जिन्ने देर सैशन चलिया श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के MP ने बाहर पार्लीमेंट के ते अंदर असी किसानी संघर्ष का साथ दिता। आए जे हुंदे रिश्ते ते मैं अज दस रहा सी श्री आनंद कुमार जी नूं, मैं क्या जिहड़ा अकाली दल है वह ऐ जी पार्टी नहीं है कि अज रिश्ता जोड़ ले ते कल टुट जे, जिहड़ा जुड़ जांदा है वह पक्का जुड़ जांदा है। BJP ना रिश्ता क्यों टुटिया, क्योंकि उन्होंने पंजाबियों के किसानी के पिट ते छुरा मारिया। ते मैं क्या हुण जिहड़ा अपना रिश्ता जुड़ गया हुण मतलब 25-30-40 साल पता नहीं किन्ने साल रहना है,
ते मैं इन्ना कह सकदा जो गरीब किसान मजदूर एक मंच ते कट्टा हो जाए ओदी राह ओदी सरकार सदा ही रहूगी। ते तुसी जानदे हो श्रोमणी अकाली दल की सोच भी जानदे हो, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की सोच इको एक रही है। उन्होंने जो भी मुख्यमंत्री बने गरीब की गल की, किसान की गल की, मजदूर की गल की, तुसी जानदे हो जिन्नियां भी सहूलतां अज गरीब नूं मिल रही हैं, किसान नूं मिल रही हैं, मुलाजम नूं मिल रही हैं, सारियां ही सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दे दित्तियां हैं। आ जिहड़ी पेंशन है, शगन है, आटा दाल है, घर दे 200 यूनिट बिजली दे माफ है, लड़कियां नूं साइकिल दिंदे सी, ते सब तो वड्डी गल जिहड़ी एससी स्कॉलरशिप असी देनी शुरू कीती जिहदे नाल तकरीबन 4 लाख गरीब एससी बच्चे पढ़ते होंगे सी, जिहड़ी कैप्टन ने बंद कर दित्ती, वह भी शुरू बादल साहब की देन है। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री 5 साल रहे, 5 बार रहे, क्यों रहे? क्योंकि वह जनता च रेंदे सी, गरीब जनता च रेंदे सी, उन्हां च घरां जांदे सी, उन्हां नाल गल्लां करदे सी, ते बह के उन्हां दीआं मुश्किलां सुन के नाल दे नाल उन्हां दा हल करदे सी। साढ़े 4 साल बर्बाद करते कांग्रेस ने, अहंकारी राजे ने, साढ़े 4 साल पंजाब दा गरीब दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, सारा पंजाब दुखी है, सारा कुछ बंद कर दिता, लुट्टन ते लगे है। कांग्रेसी MLA सैंड माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया ते ड्रग माफिया बने फिरदे है। करोड़ां रुपया इन्होंने घपले किते है, इको एक निशाना इन्हों का लुटना, पैसे कट्ठे करने। पर हुण समा कला 4 महीने दा रह गया। श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही पंजाब दीआं पार्टियां। तुसीं कहोगे बहुजन समाज पार्टी पंजाब दी किथे? बहुजन समाज पार्टी दा जन्म ही पंजाब च होया। तुसीं जानदे हो साहिब श्री कांसी राम जी दा जन्म पंजाब च, इत्थों लहर शुरू कीती उन्होंने। मैनू याद है पहला 96 चो पहली बार मैंबर पार्लीमेंट बने, मैं भी उन्हां नाल पहली बार कट्ठे ही असीं इलैक्शन लड़े सी, मैं भी लड़िया सी, ते साहिब श्री कांसी राम जी दोनों गठजोड़ च असीं लड़े सी, ते असीं कट्ठे पार्लीमेंट च गए सी। उदों पहले श्री साहिब श्री कांसी राम जी ने DS4 शुरू की, फिर बहुजन समाज पार्टी का जन्म होया, ते उन्हां दी सोच ने डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच नूं लगे लैके एक बहुजन समाज का लहर पूरे देश विच खड़ी कर दित्ती। उत्तर प्रदेश जिहड़ा सब तो वड्डा सूबा है, उस सूबे उत्ते साहिब श्री कांसी राम जी ने बहुजन समाज का झंडा रला दिता, हुण एड्डी वड्डी उन्हां दी देन है। तो इस करके पंजाबियां दी दोनों एक पार्टियां है, दूजे पासे BJP है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेड़ियां सारियां ही दिल्ली तो हुक्म लैंदियां। आ फर्क है, असी जिउणा मरना थोड़े वास्ते है, असी जो जबान दे दित्ती ओह दे दित्ती, असी कोई झूठियां सौआं नहीं खानियां, असी जो कहांगे कीता, जो किया ओह कीता, ते जो कहांगे ओह करके दिखावांगे। मैं अज जिहड़ा बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दे 13 पॉइंट प्रोग्राम है, मैं ओदियां 5-7 चीज़ां ही दसूंगा क्योंकि समा बहुत हो गया। बाकी तुसी जानदे हो एक तो मैं वादा कीता सी सारे पंजाबियों नाल कि थोड़े घरां दी बिजली सस्ती कर दूंगा, अज 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दे बिल आउंदे है, हुण ओह बिल नहीं आया करनगे। मैं कहना चाहुंदा जदों थोड़ी गठजोड़ दी सरकार बणी, जिहड़े थोड़े पुराने कोई बिल बुल जे बकाया है, जिहड़े थोड़े ते इन्हां ने पलेंटियां लाईआं, उसे ही दिन सारियां पलेंटियां माफ करके एक नवा बही खाता खोल देंगे थोड़ा।
प्राणी सारे दे लीक मार के नवी किताब खोलांगे थोड़े सारे दे खाते। दूजी गल 400 यूनिट बिजली दे हर महीने, मतलब थोड़े दो महीनिया बाद बिल आउंदे है, 800 यूनिट बिजली दे थोड़े मुफ्त होया करनगे। मैं लगता किसी का हुण बिल भी नहीं आना, मैं लगता 70-80% लोगों के बिल भी नहीं आने। मैं देखिया पिछले 4 साल श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी दे वर्करां दे नीले कार्ड जड़े बने सी वह सारे कट दिते है, कोई गल नहीं 4 महीने बाद पहले ही महीने सारे दे नीले कार्ड फिर तो बनाए जाएंगे। ते जेड़े नीले कार्ड बना के जेड़ी वो नीले कार्ड परिवार की मुख औरत है जिन्हें सारा घर संभाल दी है, असी वादा किया थोड़े नाल 2000 रुपया महीना वो खाते च आया करूंगा, कोई उन्होंने एमरजेंसी पै जाए या कोई लोड़ पै जाए, एक बहुत वड्डी सहायता वो वास्ते होगी। तीजी गल मैं करना चाहना, कोविड की बीमारी करोना की लड़ाई विच मैं देखिया कि अपने लोग सरकारी हस्पताल फेल हो गए, प्राइवेट हस्पतालों में 10-10 लाख रुपये के बिल बन लग गए। मेरे पंजाब विच मैं नहीं चाहता कोई भी गरीब जे कोई बीमार हो जाए उन्हें डर लगे कि मैं प्राइवेट हस्पताल च नहीं जा सकता। 10 लाख रुपये तक का बीमा, सेहत का बीमा सारे का किया जाऊगा, 10 लाख रुपये तक भावें प्राइवेट हस्पताल होए भावें सरकारी होए, खर्चा थोनू देने की लोड़ नहीं, सारा बीमे राही पंजाब सरकार संभालूगी, थोनू कुछ करने की लोड़ नहीं। बहुत अपने नौजवान बच्चे सरकारी स्कूलों च पढ़ते हैं पर हुंदा की है, मैं देखे अच्छ सरकारी स्कूल 12वीं के बाद बहुत बच्चे पढ़ाई छड़ जाते हैं। एक तो बेचारे को पैसा नहीं हुंदा कॉलेज जाने वास्ते, नाले नंबर इन्ने घट होंगे है, इस करके असी फैसला किया जिन्हें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कॉलेज है प्रोफेसनल कॉलेज है भावें इंजीनियरिंग भावें डॉक्टरेट जिन्हें भी है जेड़े सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते उन्हां सारे कॉलेजों में 33% सीटा रिजर्व होनगियां, तो उसका खर्चा पंजाब सरकार उन्होंने बच्चों का देगी। मैं चाहना कि मेरे पंजाब में गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन इंजीनियर बन, जिहड़ा अज तक नहीं होया। जिहड़ी स्कॉलरशिप एससी स्कॉलरशिप बंद की कैप्टन ने करोड़ों रुपये दे नाल मंत्री ने कमला किया, आने साल वो मंत्री नूं अंदर भी करांगे ते स्कॉलरशिप वापस चालू करांगे। सरकारी नौकरियां घट तो घट मैं गरंटी देना 1 लाख सरकारी नौकरी जरूर कढ़ांगे, ते उहदे विच असीं फैसला कर रहे हैं कि 33% नौकरियां सरकारी विच जिहड़े सरकारी स्कूल दे पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व कीतियां जाण, क्योंकि मैं देखिया बेचारे और रह जाते हैं आ जिहड़े कॉन्वेंट कूनवेंट के पढ़े बच्चे अगे टप जाते हैं, जरा गरीब रह जाता है। इस करके आ सरकार थोड़ी बन रही है, गरीब की बन रही है, मजदूर की बन रही है, इस करके थोनू हुण चिंता करन दी लोड़ नहीं। 50% नौकरियां सरकारी औरतों वास्ते लड़कियों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां, असीं चाहुणा अपने बच्चियों नूं सरकारी नौकरी मिले। क्यों नहीं तो की हो रहा, लोग अपने बच्चियों को पढ़ाते नहीं, विआह करने की कोशिश करते हैं, पर असी चाहते हैं अपन बच्चिया पैरों से खड़े होन। सियाने कहते एक बच्ची पढ़ जाती है तो परिवार पढ़ जाता है, तो इस करके बच्चियों को पढ़ाना साड़ी जिम्मेवारी है, तो असी एक फैसला भी लैन लगे हैं। हर जिन्हें भी कॉन्ट्रैक्चुअल इंपलॉइज है, जिन्हें भी ठेकेदार के इंपलॉइज है, मैनू याद है बादल साहब की सरकार दे 4 महीने रह गए थे, असी कैबिनेट पास भी करता सी कि सारे मुलाजम जिहड़े कच्चे उन्हें पक्का किया जाए, असी कैबिनेट पास करता उदो कोड लग गया, उदे बाद ते कैप्टन ने कोई लागू नहीं किया तो कैंसल करता। थोड़ी आने वाली सरकार पंजाबियों की आने वाली सरकार जिहड़े अपने मुलाजम कच्चे है चिंता ला दियो, सारे ही पक्के किए जाएंगे। असी नहीं चाहते अपने लोग दे मन च एक बोझ होए, बच्चों के बोझ होए कि असी कच्चे हाँ सानू कोई सिक्योरिटी नहीं।
जेड़े अपने नौजवान है, बहुत नौजवान, कोई कनेडा पढ़ना चाहता है, कोई आस्ट्रेलिया पढ़ना चाहता है, कोई दिल्ली जाके पढ़ना चाहता है, पर बेचारे को पैसा नहीं होंदा। कोई जमीन बेचता, कोई अपने घर बेचता, कई बैंकों का कर्जा ही नहीं देंदे, लोन भी नहीं देंदे। मैं नहीं चाहता मेरा पंजाबी नौजवान अपने घर बेचे या जमीन बेचे पढ़ने वास्ते। जे उन्हें अमरीका पढ़ना, कनेडा पढ़ना, कल्ले पढ़ाई वास्ते गल करना, सैर सपाटे वास्ते नहीं गल कर रहा मैं। जिन्हें पढ़ना 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड असी बनावांगे, 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड। आ जिहड़ा पैसा सीधा यूनिवर्सिटी, जिहड़ी यूनिवर्सिटी दा तुहानूं चिट्ठी मिल गई, उत्थे यूनिवर्सिटी दे खाते पंजाब सरकार तो पैसा जाऊगा। ओ जिहड़ा पैसा ओदी गरंटी भी पंजाब सरकार दी, थो तो कोई गरंटी देने की लोड़ नहीं, ब्याज भी पंजाब सरकार भरूगा। जो नौकरी मिल गई, जो थोनू डालर आन लग गए, फिर तुम भेज दियो पंजाब सरकार को। मैं थोनू इन्नी गल कहना चाहना है यार, अपने अपने ही होंगे, असी जीना मरना इतने। हुण आम आदमी वाला केजरीवाल तुम देखिए सब तो वड्डा फ्रॉड वो है। हुण करते की है, हुण तुसीं पिंडां जा रहे हैं, फॉर्म भरा रहे हैं, की फॉर्म भरा रहे हैं कि जी ये 300 यूनिट तुसीं चाहिए है तो फॉर्म भर लो। मैं आम आदमी पार्टी नूं पुछना चाहुंदा है कि 300 यूनिट माफ कल्ले उन्हां वास्ते जिहड़े फॉर्म भरनगे कि सारे वास्ते है? जो सारे वास्ते है तो फिर फॉर्म भरवाउण दी की लोड़ है? हुण आ फॉर्म तो उन्हां दे अपने है, आ ड्रामा करना छड्ड दिओ। पंजाब की जत्तां नूं कहना पहले कैप्टन ने ठगी मारी, थोनू फॉर्म भराते घर घर नौकरी दे, फॉर्म भराते थोड़े मोबाइल दे, फॉर्म भराई दे थोड़े कर्जे दे, ते हुण लभ्या कोई? असी कोई सौं खानी है, असी कल्ले जबान दे पक्के हैं। मैं इन्हां दा इश्तिहार देखिया, मैं इन्हां दा इश्तिहार देखिया आम आदमी पार्टी का, एडे वड्डे झूठे। केजरीवाल लिखिया औरतां नूं वधाई, 24 घंटे बिजली ते मुफ्त बिजली, ते थल्ले किते थोड़ा जिहा कोई पढ़ नहीं सकदा। मैं पुछिया मुफ्त बिजली दा क्या ही नहीं, वह कहिंदे 300 यूनिट असी जान के नहीं लिखे। उन्होंने ऐलान किया 300 यूनिट का, तो इश्तिहार कहता मुफ्त बिजली, तो 300 यूनिट भी जो सवाल पुछा प्रेस ने, तो की जवाब दिता कि जे 300 तो 1 यूनिट भी तुसी वध बाल लिया ना तो 300 दे भी पैसे लगनगे। इहदा मतलब जिहड़ा असी 200 यूनिट दिंदे सी, जिहड़ा तुहानूं 200 यूनिट मुफ्त दिंदे सी, अजे तां उह भी गया, क्योंकि उन्हें कहा 300। यार जे केजरीवाल साहब तुसी 300 यूनिट पंजाब च देने हैं, तुसी तां दिल्ली दे मुख्यमंत्री हो, डीकदे क्यों? पहले दिल्ली तां लागू कर लो। दिल्ली दे जिथों दे मुख्यमंत्री अज फैसला कर सकते हैं, उत्थे तां लागू करने नहीं। फिर झूठ ते झूठ कहिंदे साडा दिल्ली दा मॉडल लागू करो। जे दिल्ली दा मॉडल पंजाबी ओ लागू करवाउणा ना, थोड़े ट्यूबलाइन दे बिल भी लगनगे, भी दिल्ली लगदे है। उत्थे दुकानां दे 12 रुपये यूनिट बिजली दा रेट है, ते 12.5 रुपये इंडस्ट्री दा है, ते थोड़े घरां दा 9, 10, 11 रुपये है, जे दिल्ली दा मॉडल। इस करके इन्हां दी गल्लां च ना हो। श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी थोड़े नाल, थोड़े घर घर विच बसी हुई पार्टी है, थोड़ी पार्टी है, थोड़े विच रहना है। मेरे पिता बादल साहब ने मैनू एक गल सिखाई है, ते मैं उहदे ते अमल कीता कि उन्ना ही कही जिन्ना पूरा कर सके। अज तक इतिहास गवाह है कि अज तक जो जो मैं किया पूरा किया है। जे असी क्या थोड़े ट्यूबवैल के बिल माफ करांगे कीते, जे थोड़े क्या आटा दाल दिता, जे मैं क्या बिजली आमो आम कर दूंगा, 5 साल 10 साल अपना राह सी आमो आम सी। जे असी क्या मैं 4 ते 6 लेनिया सड़कां बनाऊंगा, बना दित्तियां। कोई खजाना खाली नहीं, इन्हां कांग्रेसियां दी नीयत खाली है। इस करके मैं सब तो पहले तो गढ़ी साहब नूं वधाई दिंदा। किधर गए गढ़ी साहब? मैं आनंद कुमार जी ते समुची नैशनल टीम आई है, मैं उन्हां नूं वधाई देना चाहुंदा। तुसी एक बहुत वधिया जोड़ी भेजी है,
एक तो बैनीवाल साहब की एक गड़ी साहब की। मैं क्या आ जोड़ी है जड़ी, मैं कहना अद्धा रिश्ता जरा जुड़िया ना बहुजन समाज पार्टी ना, वो बैनीवाल साहब से गड़ी करके बल्ला बहुत वड्डा हाथ है इन्हों दोनों दी बड़ी पॉजिटिव सोच है। ते मैं देखिया बहुजन समाज पार्टी नू वापस जमीन तो फिर तो पूरा जिहड़ा खड़ा कर दिता। आ देखो कट आ इन्हां दी मेहनत है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहना, मैं तो कह रहा सी आनंद जी नू, मैं कहा पक्का ही रखियो प्रधान सोचा कई साल, तो मैं कहना बहुजन समाज पार्टी अकाली दल ऐ जी तकड़ी हो जूगी ते सरकार बाद असी बहुजन समाज पार्टी नू नाले साडा गठजोड़ होगा कट्ठे होके वर्करां नू। मैं तुहानू बहुजन समाज पार्टी दे वर्करां नू विश्वास देना चाहना, थोड़ी सरकार होगी, तुसी सरकार दे हिस्सेदार होंगे, थोनू कोई तकलीफ नहीं होन दिंदे, थोड़ी जिहड़ी इच्छा है थोड़ी ख्वाहिश है वो थोड़ी अपनी सरकार पूरी करूगी, ते पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी साडी मुख एम है वो असी कायम रखांगे, ते गरीब किसान मजदूर दी पहली अपनी सरकार होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब कौमी प्रधान श्रोमणी अकाली दल और अज दे इस मंच ते सुशोभित मानयोग श्री आनंद कुमार जी, मानयोग आकाश आनंद जी, मानयोग राम जी गौतम साहब, रणधीर सिंह बैनीवाल साहब, सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी और मानयोग सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और समुची श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप उन्हां दा मैं तहे दिलों धन्नवादी हाँ, प्रेस का और मीडिया के साथियों का प्रशासन का। हुण मैं गढ़ी साहब नूं बेनती करांगा वो तुहाडा सारयां दा दो मिनट लई धन्नवाद करनगे मानयोग सरदार जसवीर सिंह जी गढ़ी। सत्कारयोग बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे सत्कारयोग वर्कर साथीओ, मानयोग भैण कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय प्रधान बहुजन समाज पार्टी जो उन्हां दा आशीर्वाद मानयोग राष्ट्रीय कोआर्डीनेटर श्री आकाश आनंद जी ने अज पंडाल तो सुनाया आ पूरे पंजाब दे वलों, मैं खुद अपने वलों भैण कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय प्रधान बहुजन समाज पार्टी श्री आनंद कुमार जी गौतम साहब, नैशनल वाइस प्रेजिडेंट श्री आकाश आनंद जी, नैशनल कोआर्डीनेटर श्री राम जी गौतम साहब, नैशनल कोआर्डीनेटर श्री रणधीर सिंह बैनीवाल जी, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणे दे इंचार्ज श्री विपल कुमार जी और समुचे वर्कर साथियों का इस आशीर्वाद लई तहे दिल तो मैं धन्यवाद करदा हाँ। सत्कारयोग साथियो बहुजन समाज पार्टी वर्करां दी पार्टी आ, बहुजन समाज पार्टी दे वर्कर वर्करी करके बहुत ज़्यादा खुश रहिंदे आ। मेरे वर्गे नमाणे वर्कर दा इहो जिहा वड्डा माण मिलना ये पंजाब दे समुचे वर्करां दा माण सन्मान है। इहदे नाल ही बहुजन समाज पार्टी वलों श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप सूबा प्रधान